हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है हैज़ॉब, जो मैंने बताया था आपको हैज़ॉब वेरिएशन। इससे पहले हैज़ॉब वेरिएशन का ये पार्ट टू है, ठीक है। अब हैज़ॉब वेरिएशन में मैंने आपको बताया था हैज़ॉब मतलब हज़ार्ड ऑपरेबिलिटी एनालिसिस, ठीक है। अब हैज़ार्ड ऑपरेबिलिटी एनालिसिस जो होता है, इसको मैंने आपको पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, पर अब ये क्या है, उसका सेकेंड पार्ट है। अभी हम इंडस्ट्रियल सेफ्टी की बात कर रहे हैं तो हैज़ॉब वेरिएशन वहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हैज़ॉब स्टडी का सेकंड पार्ट आप बोल सकते हैं इसको। पहले मैंने बताया था आपको हैज़ॉब में तीन चीज़ों के बारे में मैंने आपको कवर कर दिया था कि नॉलेज जो है बेस्ड हैज़ॉब क्या होता है, हैज़ॉब क्या होता है, इसमें हम हैज़ार्ड को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद रिस्क देखते हैं, इसमें रिस्क कितना परसेंट है, और रिस्क को असिस्ट करते हैं, ठीक है, रिस्क असिसमेंट करते हैं। देन हम क्रिएटिव चेकलिस्ट हैज़ॉब में बनाते हैं, ठीक है। हैज़ॉब चेकलिस्ट भी मैंने आपको बताया था, उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी काम चल रहा है उसमें जो भी आपने इम्प्लीमेंट किए हैं सेफ्टी के लिए, फायर के लिए, टॉक्सिक गैसेस के लिए, हज़ार्डस मटेरियल के लिए, जो भी हैंडलिंग आपने की है, क्या वो चेकलिस्ट में पूरी चीज़ें पास हो रही हैं, मतलब अप्लाई किया जा रहा है या नहीं। तो ये क्रिएटिविटी एक चेकलिस्ट हो गई है। मैं आपको ये तीनों पॉइंट पहले समझा चुकी थी, जैसे कि जे ऐसे भी मैंने बताया, जॉब सेफ्टी एनालिसिस। जॉब सेफ्टी एनालिसिस हम क्यों करते हैं, ताकि जब भी हम हैज़ॉब के बारे में जानते हैं और किसी भी वर्क को करने के लिए जब हमें परमिट इशू करना होता है, उससे पहले हम करते हैं जॉब सेफ्टी एनालिसिस। क्यों करते हैं, क्योंकि ये हैज़ॉब स्टडी ही है। हैज़ॉब क्या है, हज़ार्ड ऑपरेबिलिटी एनालिसिस। जब हम हज़ार्ड ही एनालाइज कर रहे हैं, तो जब एनालाइज कर रहे हैं तो हमें जॉब सेफ्टी एनालिसिस भी तो करना पड़ेगा ना। अब हज़ार्ड में कितना खतरा है ये तो पता चल गया, पर जॉब सेफ्टी में जॉब सेफ्टी एनालाइज करेंगे तो तभी तो हम वो उस खतरे को एलिमिनेट कर पाएंगे ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले वीडियो में बताई थी, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी का ये सब्जेक्ट तो है, उसका टॉपिक है इंडस्ट्रियल सेफ्टी सब्जेक्ट का, ठीक है। अब क्या है, इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, प्रोसीजर। तो देखिए प्रोसीजर क्या होता है, सिलेक्ट द जॉब। अब आपको हैज़ॉब स्टडी करनी है, हैज़ॉब स्टडी आप कर रहे हैं, वेरिएशन कर रहे हैं, पहले आप जॉब सिलेक्ट कर लेंगे कि आपको कोल्ड वर्क में जाना है, हॉट वर्क में जाना है, हाइट पे वर्क में जाना है, हज़ार्डस मटेरियल वर्क में जाना है, या इसके अलावा कोई और वर्क में जाना है। तो जो प्रोसीजर है उसमें क्या होता है, सबसे पहले सिलेक्ट द जॉब, हमें जॉब सिलेक्ट करनी है, हमने जॉब सिलेक्ट कर ली, ठीक है। अब क्या करना, उसमें हमें ऐसे सक्सेसिव स्टेप्स लेने हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स जो हैं वो कम हो जाएं, और वर्कर जो भी वर्क कर रहा है उसको भी कोई हार्म ना हो, और साथ ही होने वाले काम भी जो है वो परफेक्ट तरीके से हो जाएं। ऐसा ना हो उसी काम को करने पे इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इतनी दिक्कत आ रही है, तो ये सारी चीज़ें डिले हो जाएंगी, ठीक है। अब सक्सेसिव स्टेप्स तो हमने बनाए, उसके बाद हमने क्या करा, सक्सेसिव स्टेप्स बनाए। अब उसके बाद हम ये चेक करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, जो हमने स्टेप्स बनाए हैं इसमें हज़ार्ड का पोटेंशियल कितना है जिनकी वजह से एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है। तो जो पहले सक्सेसिव स्टेप बने हुए हैं उनको जब हमने इम्प्लीमेंट किया, तो क्या उनमें से हज़ार्ड निकल रहे हैं, पोटेंशियल ऑफ एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें देखना, ठीक है। फिर जब हम ये सारी चीज़ें देख लेते हैं तो हमें क्या करना, डेवलप वे, मतलब हमें एक वे बनाना है उस हज़ार्ड को, उस खतरे को एलिमिनेट करने के लिए, हटाने के लिए, जो कि हमें पोटेंशियल एक्सीडेंट से, मतलब जो एक्सीडेंट्स होने के रीज़न हैं उससे हमें बचा सकें, प्रिवेंशन दे सके। तो प्रोसीजर में ये तीन चीज़ें आती है, पहले हमें जॉब सेलेक्ट करना होता है, फिर ब्रेक द जॉब करना होता है, ब्रेक द जॉब इनटू सक्सेसिव स्टेप्स, ठीक है। उसके बाद हमें हज़ार्ड आइडेंटिफाई करके उसका पोटेंशियल एक्सीडेंट, कितने परसेंट एक्सीडेंट हो सकता है ये हमें जानना है। तो पहले हमने क्या करा, अपनी जॉब सेलेक्ट करी कि हमें क्या काम करना है, उसके बाद जॉब एनालिसिस किया कि इस काम को अगर हम करते हैं तो हमें क्या क्या एक्सीडेंट्स फेस करने पड़ते हैं, उसके लिए सक्सेसिव स्टेप बनाए, कुछ स्टेप्स बनाए, प्रोसीजर बनाए जिनकी वजह से एक्सीडेंट्स रुक सके। अब एक्सीडेंट कैसे रुकेंगे, जब हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब जो स्टेप हमने बनाए हैं उनको यूज़ करेंगे। जब हमने यूज़ किया तो क्या हुआ, यूज़ करने पर हमें पता चला इसके बाद क्या क्या एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, तो वो हमने जब ऑब्जर्व किया तो हमने क्या करा, उसे एलिमिनेट करने के लिए फिर और नए स्टेप बनाए, और पोटेंशियल ऑफ एक्सीडेंट जो है वो प्रिवेंशन के तौर पर हमने उसे हटाया, ठीक है। तो इस तरीके से सिलेक्ट द जॉब जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया गया। अब क्या होगा, अब हमने एक और चीज़ यहाँ देखी, वो क्या है, ब्रेकिंग द जॉब इनटू सक्सेसिव स्टेप्स। हम जो भी काम कर रहे हैं उसे हम डिवाइड करेंगे, ब्रेक करेंगे, और देखेंगे अब इसमें क्या क्या सक्सेसिव स्टेप हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, ऑपरेशन, हैज़ार्ड्स और प्रिकॉशन। ऑपरेशन में हमें क्या पता चलेगा, ये काम जो भी कर रहे हैं, जैसे हाइट पर वर्क कर रहे हैं, या कोई भी कोल्ड स्पेस, कन्फाइंड स्पेस, या टॉक्सिक मटेरियल के साथ वर्क कर रहे हैं, तो हमने उसे
ऑपरेशन किया कि ये काम अगर ऐसे हो रहा है तो इसमें ये हैजार्ड हो सकते हैं, ये खतरा हो सकता है, आपको बॉडी को हार्म हो सकता है, आपको कोई परमानेंट डिसीज़ हो सकती है वर्क प्लेस से, ऑक्यूपेशनल डिसीज़ जिसे बोलते हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशनल डिसीज़ होता है जो आपको काम करते दौरान जो डिसीज़, जो बीमारी लगे उसे बोलते हैं ऑक्यूपेशनल डिसीज़, ठीक है। तो ऑपरेशन जब हमने किया उसके बाद हमें हजार्ड्स पता चला। अब हमें पता चल गया कि देखो अगर ये ऐसे टॉक्सिक गैस में वर्क कर रहा है तो इसकी फ्यूम्स इनहेल करेगा तो इसे कोई बीमारी हो सकती है। तो हमने क्या करा, प्रिकॉशंस दिए। प्रिकॉशंस में क्या दिया, हमने ये कोशिश की जो फ्यूम्स हैं, जो भी फ्यूम्स उड़ रही हैं उसके लिए हमने उसको पूरा सेफ्टी मास्क लगाने को बोला जिसकी वजह से फ्यूम्स अंदर ना जाए, और उसे बोल दिया कि रेगुलर मतलब वर्क कर रहा है तो ब्रेक ले लेके वो काम करे तो कहीं ना कहीं वो बच सकता है, ठीक है। तो ब्रेकिंग द जॉब इनटू सक्सेसिव स्टेप्स में ये हुआ, हमें जॉब को इस तरीके से करनी है, इस सक्सेसिव स्टेप्स के साथ करनी है कि होने वाले जो एक्सीडेंट है वो बच सकें, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आइडेंटिफाई द हैजार्ड्स एंड पोटेंशियल एक्सीडेंट्स, ठीक है। अब देखिए हम हैजार्ड तो तभी आइडेंटिफाई कर चुके होंगे जब हैजॉब का वेरिएशन जब कर रहे थे ना, तभी हमने हैजार्ड आइडेंटिफाई कर लिए थे। क्यों? क्योंकि हमने क्रिएटिव चेकलिस्ट भी बनाई थी, हमने जॉब एनालिसिस भी किया था। जब जॉब एनालिसिस किया तो हमें पता चल गया कि किस तरीके के हैजार्ड है और कितना उनमें पोटेंशियल है, ठीक है। तो जब एनालाइज कर लिया, जब ऑब्जर्व कर लिया, तो हमें हमारी जो पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स हैं वो कम होनी चाहिए ना, क्योंकि जो भी हमने ईच स्टेप जो भी लिया है उसको हैजार्ड्स के थ्रू, खतरों के लिए जो भी हमने सेकंड स्टेप लिया है, अब जब हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इंडस्ट्री में, हैजॉब वेरिएशन कर रहे हैं, जो भी स्टडी कर रहे हैं हैजॉब के लिए, तो वो चीज़ क्या है, हैजार्ड्स जो हैं वो हमें पता तो चल गए। अब हमें पता चल गए तो हम इस तरीके से उसे प्रिवेंशन देंगे, इस तरीके से सुरक्षा देंगे कि एक्सीडेंट्स का जो लेवल है वो कम हो जाए, उनका जो एक्सीडेंट पोटेंशियल है मतलब इतने हद तक एक्सीडेंट हो सकते हैं वो पोटेंशियल ही हम कम कर दें। क्यों? क्योंकि हमारे पास एलिमिनेशन की भी चीज़ें हैं कि इस काम को करने के लिए अगर हम ये वाला स्टेप एलिमिनेट करके दूसरा स्टेप अगर लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स के साथ बच सकते हैं और ख़ुद को सेफ रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हैजॉब वेरिएशन का जो था वो पार्ट टू है हैजॉब स्टडी। सिमिलर चीज़ें हैं दोनों में, स्टेप्स जो थे वो सिमिलर ही हैं, क्योंकि देखिए एक स्टेप चलता है इसका, पहले क्या होता है हैजॉब के बारे में होता है, ठीक है। अब हैजॉब क्या होता है, हैजार्ड ऑपरेबिलिटी एनालिसिस या टेस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, स्टडी भी बोल सकते हैं। उसके बाद क्रिएटिव चेकलिस्ट बनाई गई, फिर उसके बाद जॉब एनालिसिस किया गया, उसके बाद सिलेक्ट द जॉब किया गया, और फिर हमने क्या किया, ब्रेक द जॉब इनटू सक्सेसिव स्टेप्स, ठीक है। और उसके बाद जब हजार्ड आइडेंटिफाई कर लिया तो हमको ये पता चल गया कि पोटेंशियल एक्सीडेंट कितना था, ठीक है। तो इस तरीके से हमें हर वर्क को करने से पहले उसका हैजॉब वेरिएशन करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपने वर्क प्लेस को सेफ रखना चाहते हैं तो ये सारा प्रोसीजर फॉलो करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल सेफ्टी से मैंने आपको ये एक टॉपिक समझाया था आज, तो ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, क्योंकि हैजॉब जो है वो एक छोटा सा टॉपिक है पर इसी में एलैबोरेट है ये कि इसके स्टेप्स जो है सिमिलर हैं, पर पूरा घूम के यही उसमें आता है कि हमें इस तरीके से वर्क करना है, इस कंडीशन से वर्क करना है कि पोटेंशियल ऑफ एक्सीडेंट हम एलिमिनेट कर दें बिल्कुल ही, ठीक है। तो मैंने आज आपको ये हैजॉब स्टडी के पार्ट टू बताया, सो थैंक यू।